नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है चैनल को ग्रो कैसे करें। हाँ दोस्तों, काफ़ी गंभीर टॉपिक है क्योंकि जो नए यूट्यूबर होते हैं तो उनके लिए जो है फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम लाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। क्योंकि मैं भी पहले नया यूट्यूबर था, मुझे जो है काफ़ी टाइम हो चुका है यूट्यूब पर, और मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला कि कैसे जो है मैंने अपना चैनल जो है ग्रो किया और किस तरह से जो है सब्सक्राइबर आए, मैं पूरा जो अपना पर्सनल है सभी आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे जो है आप अपने चैनल को जो है एकदम से ग्रो कर सकते हैं। तो वो कौन सी ट्रिक है उसके लिए आपको पूरा वीडियो मेरा देखना होगा। और जो मेरे चैनल पे नया है सो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो है इस तरह की वीडियोस जो है डालता रहता हूँ। और कैसे होता है ग्रो चैनल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके चार पॉइंट्स है। सबसे पहला तो आपका है थंबनेल, जो थंबनेल। सेकेंड है आपका टाइटल। थर्ड है आपका वॉच टाइम। और फोर्थ है आपका व्यूज़। सो दोस्तों, व्यूज़ तो तभी आएंगे जब आपकी कोई वीडियो देखेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरा चैनल मैंने बनाया था, तब मैं वीडियो डालता था तो कोई भी मेरा चैनल को कोई वीडियो मतलब नहीं देखता था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी कि यार सभी की वीडियोज़ देख रहे हैं, मेरी वीडियोज़ क्यों नहीं देखते। और मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी और मैं सोचता था कि यार इन सभी की वीडियो सभी लोग देखते हैं लेकिन मेरी वीडियोस कोई नहीं देखता है, तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता था। और आज जो है मैं वीडियो डालता हूँ तो मुझे जो है 1000-2000 व्यूज़ आ जाते हैं हर एक वीडियो पे, चाहे मैं कुछ भी डालूँ तो मुझे जो है व्यूज़ आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है सब्सक्राइबर हैं। तो आप भी जो है अपने इस तरह से आप भी अपने चैनल को जो है ग्रो कर सकते हैं और सब्सक्राइबर पा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ट्रिक बताता हूँ आपको वो है आपका ट्रेंडिंग टॉपिक। दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। जैसे कि आपका टेक्निकल चैनल है तो आप जो है किसी फ़ोन की ट्रिक बताइए, या फिर आप जो कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है उसके बारे में बताइए कि यार लॉन्च होने वाला है तो उसके बारे में स्पेसिफिकेशन, कब लॉन्च हो रहा है, इस तरह की वीडियो डालिए। या फिर आपका फ्रेंड कोई नया डिवाइस लेता है तो उससे उसका डिवाइस लेके उसकी अनबॉक्सिंग कीजिए। तो इस तरह जो है टेक्निकल चैनल में इस तरह के व्यूज़ जो हैं स्टार्टिंग में आना ज़रूरी है। तो आपको कम से कम जो है 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर चाहिए स्टार्टिंग में ग्रो होने के लिए। अगर आपके पास जो है सब्सक्राइबर नहीं है तो आप जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। और वीडियो जो है वायरल कैसे होती है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो वीडियो वायरल तभी होती है जब आपके वीडियोस पे जो है वॉच टाइम होता है। दोस्तों, अगर आपकी वीडियोस पे वॉच टाइम होता है तभी आपकी वीडियो जो है वायरल होती है, अदरवाइज़ आपकी वीडियो वायरल नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे आपका गेमिंग चैनल होता है किसी का तो गेम्स की वीडियो डालता है, कईयों के चैनल होता है आपका प्रैंक चैनल होता है तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मिलियन में व्यूज़ आते हैं। गेमिंग वाली जैसे पबजी हो गया, उसमें भी आपने देखा कि मिलियन व्यूज़ आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो जो है लोग पूरा देखते हैं शुरू से लेके एंड तक। तो जैसे कि आपकी वीडियो पूरी देखेगा तो आपका वीडियो नेचुरली है कि वो वायरल हो जाएगा। तो वॉच टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो को वायरल करने के लिए। तो वीडियो वायरल करने के लिए वॉच टाइम तो ज़रूरी ही है, लेकिन आप जो है टॉपिक कौन सा चुने। तो अगर आप जो है गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, गेमिंग वगैरह खेलते हैं, आपको अच्छे से गेमिंग पे जो है गेम खेलना आता है या अच्छे से उसके बारे में नॉलेज है, तो आप जो है गेमिंग की वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं और उसमें जो है ट्रिक्स भी बता सकते हैं, कुछ भी जो नए गेम्स आ रहे हैं उनके बारे में बता सकते हैं, या फिर गेम्स कैसे डाउनलोड करनी है इसके बारे में आप जो है बता सकते हैं। और ये तभी संभव होगा कि आपका जो थंबनेल है, दोस्तों थंबनेल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं अगर किसी की वीडियो, मेरे अगर होम स्क्रीन पे किसी का वीडियो आता है तो मैं तभी क्लिक करता हूँ जब मुझे थंबनेल जो है अच्छा लगता है, तो तभी मैं उसके ऊपर जो है क्लिक करके जो उसे प्ले करता हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे थंबनेल अच्छा नहीं लगे तो मैं क्लिक नहीं करता हूँ। वो भी आपको भी पता है, अगर आप जो है कोई थंबनेल देखते हैं तभी जो है वीडियो को प्ले करते हैं, तो जो वीडियो को प्ले कर देता है तो वो उसको लगभग जो है 100 में से 60% लोग ऐसे हैं जो उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और वो वीडियो जो है वायरल हो जाता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिससे जो है आप अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे पास अगर आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मान लो कि 20,000-30,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो आप कुछ भी डालेंगे तो आपका व्यूज़ आ जाएगा क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, जैसे कि आपके 0 सब्सक्राइबर है, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, तब जो है
व्यूज आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि आप वीडियो डालते हैं, कम से कम कोई भी व्यूज नहीं आता, कोई भी जीरो व्यूज। क्योंकि मैं अपने ऊपर लेता हूं, जब मैं स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने वीडियो डाला था, वीडियो डालते ही जो है जीरो व्यूज आए। मतलब एक एक मंथ तक वीडियो डली रहती थी, एक मंथ तक कोई भी व्यूज नहीं आना। मैं खुद ही प्ले करता था, वही एक व्यूज आता था, अदरवाइज कोई व्यूज नहीं आता था। फिर मैंने सोचा यार कैसे करें, वीडियो को वायरल कैसे करें, सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, व्यूज कैसे आएंगे, टेंशन हो जाती थी। तो फिर मैंने जो है बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, फिर मैंने देखा कि यार ट्रेंडिंग पे वीडियो बनाता हूँ। फिर मैंने ट्रेंडिंग पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी फ़ोन के ऊपर, कि कैसे फ़ोन को अपडेट कब आएगी, इसकी अपडेट की चांसेस कब हैं, इस तरह की मैंने वीडियो डालना स्टार्ट की। फिर जो है आस्ते आस्ते मुझे व्यूज़ आना स्टार्ट हुए और सब्सक्राइबर भी आना स्टार्ट हो गए। तो आस्ते आस्ते मैंने धीरे धीरे मेरा चैनल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया और अभी भी ग्रो हो रहा है। अभी मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि अपने चैनल पे व्यूज़ कैसे ला सकूँगा और सब्सक्राइबर कैसे आते हैं। तो आप जो है डेली मेरे 200 या 300 सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तो ये आप लोगों की वजह से ही है और आप लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। और कोई हेल्प चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की हेल्प चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और सभी सब्सक्राइबर की मैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी को मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज था ये वाला वीडियो, जो है आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।